Hello students, today we are going to learn subject Hindi for grade 3. So take out your Hindi notebook and write down today's date 23/4/2021. कल हमने सीखे थे ए से एनक और ओ से ओखली मात्रा वाले शब्द. आज हम सीखेंगे औ की मात्रा वाले शब्द और उसके बाद अंग की मात्रा वाले शब्द. वो शब्द के हम उसको कैसे अलग अलग लिखा जाता है या मतलब उसके वर्ण विच्छेद करेंगे. तो पहले है औ की मात्रा वाले शब्द. तो फर्स्ट में लिखा है नौका, तो पहले न लिखा है तो क्या करेंगे, न नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे. किसकी मात्रा है, औ की, तो क्या लिख देंगे, औ. फिर लिखेंगे क, और क के बाजू में किसकी मात्रा है, आ की, तो लिख देंगे आ. बन गया नौका. नेक्स्ट है सौदा, तो सेम टू सेम पहले स लिख देंगे, फिर किसकी मात्रा है, औ की, तो औ लिख देंगे. फिर क्या है, द, और उसके बाद किसकी मात्रा है, आ की, तो आ लिख देंगे. बन गया सौदा. फिर है मौसम, तो पहले है म, तो म लिख देंगे. फिर है औ की मात्रा, उसके बाद है स, तो स प्लस अ. फिर है म, और म प्लस अ. मैंने सीखा है कि जहाँ पे कोई भी मात्रा ना हो वह क्या करना है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके बाद में प्लस करके अ लिख देना है. नेक्स्ट है चौकी, तो पहले है च, तो च लिख देंगे. फिर है औ की मात्रा, तो औ लिख देंगे. फिर क, और फिर सॉरी क के बाजू में चौकी, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी ई. ओके. नेक्स्ट है हथौड़ा, तो ह अकेला है, तो ह प्लस अ. फिर थ है, तो थ प्लस औ की मात्रा है, तो लिख देंगे औ. प्लस द, प्लस किसकी मात्रा है, आ, तो आ लिख देंगे. ओके. तो 1 to 5 नंबर मैंने सिखाए हैं, तो आप क्या करोगे, 6 to 10 नंबर आप अपने आप लिखोगे. लौकी, तो ल प्लस औ प्लस क प्लस बड़ी ई, लौकी. गौतम, तो ग प्लस औ प्लस त प्लस अ प्लस म प्लस अ. खिलौना, पहले ख लिखोगे, फिर किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो ख प्लस छोटी ई प्लस ल प्लस औ प्लस न प्लस आ. पकौड़ी, प प्लस अ क प्लस औ प्लस द प्लस बड़ी ई. फिर है दौलत, तो द प्लस औ प्लस ल प्लस अ प्लस त प्लस अ. अब आगे हम सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्द. तो पहले मैंने लिखा है पंख, पंख, तो प तो लिख देंगे एज इट इज प. उसके ऊपर किसकी मात्रा है, अंग की, मतलब अनुस्वार, तो ये सेम टू सेम अंग से अंगूर, वो लिख देंगे. फिर क्या है, ख अकेला है, तो ख प्लस अ, ख प्लस अ. फिर है हंस, तो ह, ह के ऊपर अनुस्वार का बिंदु है, तो उसके बाजू में अंग लिख देंगे. फिर स अकेला है, तो स प्लस अ, स प्लस अ. फिर आया अंगूर. यहाँ पे मैंने सीखा था कि जो शब्द में स्वर ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो वहाँ कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी उसको कर देना है. अंग है तो वापस से अंग करेंगे, तो अंग का अंग प्लस ग प्लस बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ प्लस र अकेला है, र प्लस अ. फिर है पलंग, तो प तो अकेला है, प के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, प
प्लस अ प्लस ल के ऊपर अनुस्वार का बिंदु है तो ल प्लस अंग प्लस ग प्लस अ। पलंग पलंग। फिर है कंगन, क क के ऊपर अनुस्वार का बिंदु है तो अंग प्लस ग, और न में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, ग प्लस अ न प्लस अ। ओके, तो बन गया कंगन। वैसे ही आपको 6, 7, 8, 9 होमवर्क है, आपको लिखना है। गंगा, तो ग के ऊपर है तो ग के बाद अंग लिखोगे, फिर ग प्लस आ गंगा। पंजा, प के ऊपर अनुस्वार का बिंदु है तो प प्लस अंग प्लस ज प्लस आ। रंग, तो र के ऊपर अनुस्वार का बिंदु है तो र प्लस अंग प्लस ग प्लस अ। अंडा, यहाँ पे अंग ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट अंग लिख दोगे। ओके, फिर प्लस करके क्या रहा, डा का वर्ण विच्छेद करना है तो ड प्लस आ। ओके, तो बन गया ये वर्ण विच्छेद वाले शब्द, औ की मात्रा वाले शब्द और अंग की मात्रा वाले शब्द आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है और साथ में होमवर्क भी करना है। ओके, बाय एवरीवन एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।